राजस्थान में चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और क्योंकि मतदान जितना नजदीक आता जा रहा है जनता को समझना भी जरूरी है। राजसमंद में इंडिया न्यूज की टीम ने चुनाव को लेकर जनता का मूड जाना है। रिपोर्ट आप देखिए। राजस्थान में चुनाव है और उसी चुनावी कड़ी को लेकर आज हम राजसमंद के भीम देवगढ़ विधानसभा में आए हैं और यहाँ पर हम जानेंगे जनता का मूड कि जनता का मूड यहाँ पर किस तरह है और यहाँ पर जनता किसको पसंद कर रही है। सबसे पहले तो यहाँ कौन है प्रत्याशी, किस किस तरह का प्रत्याशी है सर? यहाँ पे जो यहाँ पे जो हरीश सिंह रावत है वो भीम देवगढ़ के जो कमल फूल पे खड़े हुए हैं और जो कांग्रेस के लिए सुदर्शन सिंह खड़े हुए हैं। हम मोदी के लिए आए हैं और हरी सिंह रावत जी के लिए आए हैं। यहाँ पे विकास कुछ नहीं है, विकास खाली हवा है। हमें खाली एक विषय को साइड में रहकर हमें खाली कमल को वोट देना है, मोदी का मान रखना है। हमारा हिंदू नेता एक ही है, वो है मोदी जी। मैं कल सूरत से आया हूँ और मोदी जी के लिए डानी डानी शहर शहर मैंने वहाँ पे प्रचार किया है, सबका मूड जाना है, सबका देखा है। हरी सिंह के तरफ 90% वोट जा रहे हैं और बहुत भारी बहुमत से जगदीश व्यास। जगदीश जी, किस तरह देखते हैं यहाँ का जो पहले विकास हुआ है, किस तरह का विकास होना? कुछ भी इस 5 सालों में मुझे मुख्य रूप से जमीनी स्तर पर कोई विकास देखने को नहीं मिला है जी। बस ये विकास की बातें जो हवा वही दिख रही है और मुख्य रूप से ये जो अभी मूड दिख रहा है जनता का वो मेवाड़ की चारों सीटों पे बीजेपी कमल खिलेगा। गोपाल गुर्जर, क्या क्या विकास होने चाहिए आपके भीम विधानसभा में? क्या क्या विकास की कमी है और क्या क्या विकास हुए हैं अभी तक? रोड की कमी है यहाँ पे, पानी की, जल की और रोड की, ये सब कमियाँ है, हो जाए तो अच्छी बात है। बीजेपी सरकार को बीजेपी बनाएंगे यहाँ से। पिछली सरकार कांग्रेस की थी तो कुछ काम हुए या नहीं हुए? थोड़े बहुत हुए, कितने भी बाकी है, जितनी सरकार से जो भी बाकी है वो काम बीजेपी सरकार कर दिखाएगी। हमारा सब यही हमसे लेना, लेकिन जो भी हमारे जो विधायक है, हमारे जो विधायक साहब हैं अभी यहाँ पे जीते हैं, उन्होंने खुले दिल से कहा है कि हमारे गांव में आके बोला है कि 160 वोट हमको मिले हैं, इसके लिए वहाँ पे एक भी नाली भी नहीं बनी है। हम कितनी बार वहाँ पे पत्र लेके गए हैं कि हमारे यहाँ पे रोड बनाओ, टांकी बनाओ, सब बनाओ, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं बनाया है। और वो उन्होंने बोला है कि आपके गांव में वोट नहीं मिला है, आपके पंचायत में वोट नहीं मिला है, इसलिए काम नहीं होगा। भेदभाव वाला विकास हुआ है ना, हर जगह उन्होंने जहाँ से वोट नहीं मिला वहाँ से फूटी खोटी गिनती भी। और ये देख सकते हो मोदी जी का जलवा है ना, कमाल का। 5 साल में कुछ नहीं हुआ। आप ऐसे करेंगे तो एक एक आदमी की बात रखेंगे आराम से, एक एक आदमी जी। इधर आ जाओ, ट्रॉफी भी जाओगे। ये देखिए सर, मोदी जी का जलवा है और बीजेपी की लहर है, प्रचंड लहर है और प्रचंड बहुमत से भीम नहीं पूरा राजस्थान फतेह हो रहा है, पूरा राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन रही है जी। जी हसमुख पटेल, मेरे को लग रहा है 100% इधर जो मोदी जी की सभा में जितना अंदर आदमी की व्यवस्था उससे भी ज्यादा बाहर खड़े थे, वो देख के तो 100% बीजेपी आएगा बनेगी। योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरा रुझान यही कि 5 साल में केवल इस विधायक ने झूठ बोला है, फर्जी विकास कराए, केवल भाटे लगवाए हैं, कुछ नहीं कराया, केवल फर्जी विकास करवाया, झूठे झूठे भाटे लगवा कर पहले चुनाव से पहले केवल घोषणा कर दी, कुछ नहीं है। हरी सिंह जी विधायक हजारों वोटों से जीतेंगे। भीम देवगढ़ विधानसभा में बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है, हरी सिंह जी जीत रहे हैं और हमारे को विकास के साथ विकास क्या क्या हुआ? विकास कुछ भी नहीं हुआ है, विकास के साथ में हमारी जनता की सुरक्षा भी जी है, लोगों के साथ में बहुत अन्याय हुआ है, भीम में लोगों के नाखून निकाले गए हैं। हत्याकांड जो हुआ है उन लोगों को जो सुरक्षा मिली है वैसा हमको विधायक वैसा मुख्यमंत्री हमको नहीं चाहिए। जी नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सांवरिया गुजर। क्या क्या गुजरो गुजरो तो दे रहे को वोट? हाँ। मोदी जी देखा मोदी जी को? हाँ। कैसा लगा आपको?
हम मोदी जी को सपोर्ट हम इसलिए नहीं कर रहे कि हम पेट्रोल के दाम कम हो या गैस के दाम कम हो, हम इसलिए कर रहे हैं कि मोदी जी जिस तर्क पे काम कर रहे हैं ना वो हम समझ गए और मोदी जी को हम लेके आएंगे। मोदी जी की तरह से एलपी, आप मोदी जी की तरह से एलपी लिए, ये देख लो ना सर भीम देवगढ़ में आतंकवाद खत्म होने वाला है इस बार, हिंदुस्तान में बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी राजस्थान में, पूरे 5 साल में सबसे मेन मुद्दा है महिला की सुरक्षा, महिला कितना अत्याचार हुआ, कितने बहन बेटियों का बलात्कार हुआ, उनका मर्डर हुआ, लेकिन उनके एक भी किसी को फांसी हुई है क्या? मेन मुद्दा महिला का है, मेन मुद्दा हिंदुत्व का है, हिंदुत्व को मार रहे उनके समर्थन में अगर रैली निकाले तो उनका अंगूठा काटे जाता है, तो ये हम हिंदू विरोधी विचारधारा वालों को खत्म करके रहेंगे राजस्थान में, राजस्थान के अंदर जीएसटी इससे देश में इतना अच्छा संतुलन हुआ कि पूछो ही मत, क्योंकि पैसे भी पूछे आतंकवादी से पैसे नहीं ले जा सके, राम मंदिर से हमारा सुशासन आ जाएगा, राम मंदिर बन जाएगा, अब तो राम राज्य आएगा, जय सियाराम। आज उनका माप आया है, हर हर मोदी, हर हर मोदी, आपका लास्ट दिन था और मोदी जी भीम में आए, तो भीम वालों के लिए किस तरह के? राजस्थान के लोगों मेरी बात सुनो प्रेम से, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे भैया ये एक कोई देवगढ़ की बात नहीं, आपका राजस्थान में ऐसा वातावरण आ गया है, डबल इंजन सरकार बनने वाली है भैया भाजपा की, डबल इंजन सरकार जैसे गुजरात में बनी है वैसे सुपड़ा सफाया और भाजपा की लीला ले रहे हैं। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, इसके लिए बहुत जरूरी हो गया है। हरी सिंह जी आएंगे हमारे टीम के अंदर, हरी सिंह जी आएंगे, फूल खिलेगा, फूल खिलेगा, पूरा व्यवस्था में फूल खिलेगा, फूल खिलेगा, फूल खिलेगा। एक सबसे अच्छी बात बोली है कांग्रेस की, अच्छी व्यवस्था है उसको मोदी जी कंटिन्यू करेंगे, मोदी जी की सरकार आएगी तो कांग्रेस की व्यवस्था को चालू रखेंगे, मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के अंदर 450 का गैस का बांटना देंगे, और मोदी जी कांग्रेस की कोई भी व्यवस्था को भ्रष्टाचार को बंद करेंगे, और कांग्रेस की जितनी अच्छी व्यवस्था है पब्लिक के लिए उसको भी मोदी जी, ऐसा नहीं कि कांग्रेस की सरकार अच्छी सरकार में अच्छा कंटिन्यू करेंगे। मोदी ने आज जो ये बात तो देख ली कि जो अभी भाजपा वाले के मंडल तहसील में आप विचार करो, सोचने जैसी बात है। राजस्थान वाले भाई और देखो सबसे अरे मोदी जी की सभा में तो कोई अनगिनत पब्लिक है, जैसे ठाकुर जी ने बोला मेरे नाम को गंगोत्री में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। काफी उत्साह दिख रहे हैं यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता, स्मृति ईरानी के बीजेपी होने के बाद में आज मोदी जी ने यहाँ पर खुद यहाँ दौरा किया और बीजेपी प्रत्याशी हरी सिंह रावत, हरी सिंह जी रावत जीतेंगे। चलिए इसी के साथ जनता का मूड में आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।